आपका फेवरेट यूट्यूबर शेरी, और मैं आज व्लॉग करने वाला हूँ अपने घर का। मैं सुबह सुबह उठा तो मुझे पता चला मेरे घर पर रात को बकरी आई है, तो अभी मैं आप लोग को बकरी दिखाऊंगा, छोटी सी है। तो मैं अभी सुबह तैयार भी हो गया घर पर आने में, लेकिन जब मैंने देखा तो वो इतना सा बकरी का बच्चा घर वाले का छत पे आगे देखो तो मैं देख क्या बहुत प्यारा है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो आप लोग देखें और कमेंट कर बताएँ आप लोगों को कैसा लगा। ये हमारा छोटा सा बकरी का बच्चा है जो अभी छत पे हमने रखा हुआ है। अरे इसका नाम क्या रखें, आप लोग मुझे बताएं इसका नाम क्या रखना है। तो ये बहुत छोटा सा माशाल्लाह, बहुत पारा सा ये बहुत पारा सा छोटा सा है, और माशाल्लाह बहुत क्यूट है ये। इसको और इसके ऊपर से कोई जू निकली है, और छोटी सी नहीं जू नहीं है मुझे लग रहा है, अरे इसमें जुएँ लगी हुई हैं, जुएँ छोटी सी जुएँ नहीं होती वो लगी हुई हैं इस पर, तो जुएँ नहीं हैं शायद नहीं, इधर ही जुएँ क्या है, लेकिन इसको खैर देखेंगे, अगर जुएँ होंगी तो इंग्लिश शैम्पू नहीं होता जुआँ था उससे साफ कर देंगे। ये मुझे नस्ल नहीं पता कौन सी है, वरना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता है। इसके छोटे छोटे से कान हैं, छोटे नहीं थोड़े से बड़े, छोटा सा है ये। और एक और मेरे पास चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक मुर्गी है जिसको अंडों पे बिठाया था, उसने एक बच्चा दिया है, उसके नीचे हमने 12 अंडे रखे तो उसने एक बच्चा दिया है, तो अब आपको वो दिखाता हूँ। अपनी मुर्गी का पिंजरा है जिसे अभी मैं खोलना है, देखिए छोटा सा चूज़ा, ये इसी का बच्चा है, और 13-14 अंडे रखे थे तकरीबन, यहाँ पे तो 16 भी रखे थे घर वालों ने रखे थे। तो ये मुर्गी बहुत मारती है, इसकी तरफ मैं हाथ भी नहीं कर रहा हूँ, वो इसके नीचे चला गया। आपको भी मैंने जो दिखाया तो वो देखें पीछे से आ गया, वो दुम के नीचे घुस जाता है, ये बाहर आ रहा था अंदर चला गया। नहीं, बाहर निकालना है, नहीं मुझे बाहर नहीं निकालना, आपको अंदर रहो, जो जॉब पे जाने अंदर रहो आप, अगर आप बाहर है तो मैं लेट हो जाऊंगा। ये मुर्गी है और ये उसका चूज़ा है, और एक और मुर्गी लाए थे जब इसको अंडों पे बिठाया था, तो जो मतलब हमारे पुराना मुर्गा था वो अकेला हो गया, तो उसको एक और मुर्गी ला के दे दी, वो अभी खोले हुए हैं और छत पे वो दीवार पे बैठे हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। ये देखें इस मुर्गी को, चुच्चू मुझे छोटे वाले चूज़े बहुत पसंद हैं, छोटे वाले। मैं एक बार फार्म ही लेके आया था, ये मुर्गी जो है ये बड़े भाई को बहुत पसंद है, मुर्गे मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, ये वाले छोटे छोटे से जो होते हैं ना, मैं यही लेके आता हूँ। नहीं बाहर नहीं आना आपने, बाहर नहीं, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और बाहर नहीं निकालना हमने इनको। और आपको मैं अब दिखाता हूँ मुर्गा और दूसरी वाली मुर्गी, वो जो दीवार पर बैठे हुए हैं अभी इस वक्त फ़िलहाल। ये मुर्गा है और ये मुर्गी है जो इस वक्त अभी दीवार पर हमारी चढ़ के बैठे हुए हैं छत की। ये मुर्गी कहाँ जा रही हो, ये कूद भी जाते हैं कभी कभार बाहर गली में ना, तो इसलिए मैं इन्हें इतना ज़्यादा खोलता नहीं हूँ, बहुत कम खोल के रखता हूँ। ये दीवार पर बैठे हुए पड़ गए हमारी छत की चढ़ के। ये मुर्गा, इसके मुर्गे के हमारे ना ताज के पास तो वाइट वाइट कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या है, ये एलर्जी वगैरह तो नहीं है, मैंने देखी थी चेक करी थी। और ये भी बड़े भाई ने ला के रखा था, और कल मैंने इसको लड़वाया भी था, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, ये लड़ाई भी करता है। और मेरे पास दो मुर्गे और थे जो कि अभी मैंने फिलहाल सेल कर दिए हैं, वो लड़ाकू मुर्गे थे, ये फिर भी फैमिली वाला मुर्गा है, तो ये इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लड़ता, लेकिन ये हमेशा इसको मैं स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा मैंने इसी को लड़वाया है। और ये भी बहुत अच्छा मुर्गा है, आप लोग देख सकते हैं, ये बेसिक मेरे भाई के शौक़ हैं, मुझे सिर्फ छोटे छोटे बच्चे पसंद हैं। और मेरे पास तोते भी हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते, पर आप वो भी देखना चाहें तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये वाला हमारा जो पिंजरा है, ऊपर का डिपार्ट खाली है और उससे ऊपर वाला भी खाली है, पहले इनमें भी तोते रखे हुए थे फ़िशर वगैरह, अभी नहीं है वो फ़िशर। और
ये हमारा एक तोता है और तोती पिंजरे के अंदर है, उस मटकी के अंदर बैठी हुई है क्योंकि उसने छोटे छोटे से बच्चे हैं मटकी के अंदर हमारे। ये देखें, ये हैं तोते और तोतों के बच्चे, और दो बच्चे हैं। नीचे वाले में एक तोता ये रहा, और ये तोता, ये तोती है, और तोते को चूहा मार के ले गया। देर चूहा बहुत आ जाते हैं हमारे इसके अंदर पिंजरे में, तो इसी वजह से आसपास मैंने काटन लगाए हुए हैं। तो नीचे वाला भी आपको दिखाता हूँ। एक ये तोता है और इसकी तोती भी अंडों पे बैठी हुई है। मेरे ख्याल से अंडे नहीं दिए या देगी अभी, तो दिखा देता हूँ अगर दिख रहा हो तो। सबसे नीचे क्यों बेहतर, अंडे दिए हैं माशाल्लाह इसने, इतने सारे अंडे हैं, 1 2 3 4 5 अंडे, 6 अंडे दिख रहे हैं, बाकियों का पता नहीं है फिलहाल। और ये वाला पिंजरे में वो जो दूसरी मुर्गी मुर्गा दिखाया था उन्हें रखते हैं, ये वाला भी खाली है। और इधर भी दो तोती तोते हैं। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए और जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है ये, तो यार सपोर्ट करें आप लोग यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।